अस्सलाम वालेकुम, मैं ग्रेट फोर की उर्दू टीचर मसूमरा। आज मैंने आप लोगों को कारवानी उर्दू में सबक अच्छी बातें समझा के और सरगर्मी करवाई, सवाल जवाब करवाया, सब पढ़ा और समझ तो हो चुके थे पहले, लेकिन आज का थोड़ा सा हम रिवाइज कर लेते हैं कि अच्छा, तीन बच्चों के मुतालिक यहाँ पर बात हो रही है। एक है फातिमा, हसन और आयशा। वो दादी जान से फरमाइश कर रहे थे कि कोई ना कोई कहानी उनको सुनाई, क्योंकि वो हफ्ते में एक दफ़ा ज़रूर कहानी सुनाती। दादी जान ने कहा कि आज ऐसा करते हैं कि आप तीनों अपनी कोई तीन तीन अच्छी बातें बताएं जिन पर अमल करते हैं। तो बच्चे ये सुनकर बहुत खुश हुए। आयशा ने कहा कि मैं तो सुबह सवेरे उठकर वर्जिश करती हूँ, दिल लगा कर पढ़ती हूँ, नाश्ता अच्छी तरह से करती हूँ ताकि दिल लगा कर पढ़ सकूँ, पानी हमेशा बैठ कर और तीन सांसों में पीती हूँ। दादी जान ने कहा शाबाश, ये तीनों तो बहुत अच्छी बातें। उसके बाद हसन की बारी थी। हसन ने कहा मैं रात को सोने से पहले अपना बस्ता दुरुस्त करता हूँ, ज़रूरत की सब चीज़ें जिसमें पेंसिल शर्बत कॉपियाँ वगैरह देख लेता हूँ ताकि स्कूल में परेशान न हो, और दूसरों को सलाम करने का हेल्प करता हूँ। स्कूल में सबके साथ मिलजुल कर रहता हूँ, लेकिन मैच वगैरह नहीं करता। दादी जान सुनकर खुश हुई, तो बोली वाकई ये तीनों चीज़ें, ये तीनों बातें बहुत अच्छी हैं। तो फातिमा ने कहा मैं हमेशा सच बोलती हूँ, कभी झूठ नहीं बोलती, क्योंकि झूठ बोलना बुरी बात है। स्कूल से घर आती हूँ अपने लिबास तब्दील करती हूँ, लिबास बंद हो जाए तो मेरे को रोज़ धोना पड़ता है, तैयार करती हूँ अपनी मम्मी का। फिर नंबर तीन है मैं घर के कामों में उनका हाथ बटाती हूँ। दादी जान ने खुश होकर कहा जीते रहो मेरे बच्चों, तो सुन तुम सब ने अच्छी अच्छी बातें बताई हैं, अगर सारे बच्चे ऐसी अच्छी बातें बताते हैं तो हमारा मुल्क बहुत तरक्की कर सकता है इंशाल्लाह। ठीक है, हमने अब इस सबक के नए अल्फाज लिखे हैं कॉपी में। कॉपी में नए अल्फाज लिखे हैं, मैंने यहाँ पर लिख दिए, आप अपने पास नोट डाउन कर दें। आज की डेट डाल लीजिएगा 26/8/2020। नंबर एक है फरमाइश, नंबर दो अमल, नंबर तीन पेंसिल तराश, नंबर चार लड़ाई झगड़ा, नंबर पाँच लिबास, नंबर छः इंशाल्लाह, नंबर सात रबर और नंबर आठ है तरक्की। इसके बाद हमने किए हैं सवाल हो जाए। पहला सवाल है बच्चे दादी जान से किस बात की फरमाइश कर रही थी। नए सफ़े पर आप लोग सवाल और जवाब की हेडिंग डालेंगे। सवाल नंबर एक है बच्चे दादी जान से किस बात की फरमाइश कर रहे थे, आप उसका जवाब लिखेंगे बच्चे दादी जान से कहानी सुनाने की फरमाइश कर रहे हैं। दूसरा सवाल है दादी जान ने बच्चों से क्या कहा, उसका जवाब है दादी जान ने कहा कि आप तीनों अपनी तीन तीन अच्छी बातें बताइए जिन पर आप अमल करते हैं। ठीक है, ये पहला और दूसरे का जवाब है। सवाल नंबर तीन है सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना क्यों ज़रूरी है, इसका जवाब है सुबह अच्छी तरह नाश्ता करना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम दिल लगाकर पढ़ सकें। सवाल नंबर चार, हसन ने जो बातें बताई इनमें से आपको सबसे अच्छी बात कौन सी लगी और क्यों। स्टूडेंट्स ने मुझे जो बताया वो मैंने यहाँ पे लिखा, आपको जो बात अच्छी लगती है आप वो लिख के और उसका रीज़न भी देंगे, वजह भी बताएंगे कि क्यों अच्छी लगती है। तो जो बच्चों ने मुझे ये बताया कि दूसरों को सलाम करने में पहल करता हूँ, यह हसन ने कहा था, तो इसका रीज़न क्या बताया आप लोगों ने कि क्योंकि इससे अल्लाह ताला खुश होता है। ठीक है, ये सवाल नंबर तीन हो चार का जवाब है। सवाल नंबर पाँच, फातिमा की किन बातों से अंदाज़ा होता है कि वह अपनी मम्मी का बहुत ख्याल रखती है, इसका जवाब है फातिमा घर के कामों में अपनी मम्मी का हाथ बटाती है। ठीक है, इससे पता चलता है कि वो अपनी मम्मी का ख्याल रखती है। जवाब ये है फातिमा घर के कामों में अपनी मम्मी का हाथ बटाती है। अच्छा, इसके बाद सवाल नंबर पाँच दिया गया है, खूब अच्छी तरह सोच कर लिखिए आपकी तीन अच्छी आदतें कौन सी हैं। ये जवाब आपको खुद कर, ठीक है, अपनी आदतें आप लोगों को पता होंगी कि आपके अंदर कौन कौन सी अच्छी खूबी पाई जाती है, आदतें पाई जाती हैं, आप तीन आदतें खुद लिखेंगे। साथ ही साथ आप लोगों को खुशखबरी में सफ़ा नंबर 17 की खुशखबरी पूरी है। ठीक है, आज की ये सरगर्मी हमने मुकम्मल कर ली सफ़ा नंबर 29। ठीक है, तो ये सारा काम आपको स्कूल की कॉपी में करना है। ठीक है, आप लोगों को समझ आ गया होगा, साथ ही साथ खुशखबरी भी करनी है आप लोगों को ताकि आपका काम अप टू डेट रहे। जज़ाकल्लाह खैर।